उत्तर प्रदेश में इन दिनों डेंगू की बढ़ते मामले को गंभीर होता देख उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ग्राउंड जीरो प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरने वाले बृजेश पाठक ने सोमवार को लखनऊ में स्वास्थ्य भवन में कंट्रोल रूम में जाकर प्रदेश में चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें कि डिप्टी सीएम ने इस दौरान स्वास्थ्य भवन में कंट्रोल रूम में चल रहे काम को भी देखा है और वहां पर तैनात कर्मचारियों से प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों का डाटा भी तलब किया है। बृजेश पाठक इस दौरान कहा कि प्रदेश में कहीं भी डेंगू से पीड़ित मरीजों के इलाज दवाओं को प्लेटलेट की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने दावा किया है कि डेंगू को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के अभियान से डेंगू मच्छर धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। वहीं पाठक ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी कम है। वहीं अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चाक चौबंद पूरी तरह से तैयार है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में वर्ष 2021 में 25,383 लोगों को डेंगू का अपना शिकार बनाया था। जय नवंबर 2022 तक 8,963 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। प्रतिदिन करीब 200 लोग डेंगू के पीड़ित हो रहे हैं। बीते वर्ष का आंकड़ा करीब 300 से ज्यादा था। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी अब सीमित है। वहीं पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लगातार कोशिश का असर यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार डेंगू का असर कम और घातक कम है। जनवरी से अब तक इससे प्रभावित 10 लोगों की मौत हुई है। बीते वर्ष डेंगू ने 25 मरीजों की जान ली थी। इस बार मरीजों को प्लेटलेट्स चलाने की भी जरूरत कम पड़ रही है। बता दें कि प्लेटलेट्स की उम्र 5 दिन होती है। सभी सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में पर्याप्त प्लेटलेट्स उपलब्ध है। वही सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जरूरत के हिसाब से प्लेटलेट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि डेंगू पूरी तरह से काबू में है। अस्पतालों में इलाज की चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं प्लेटलेट्स व खून के दूसरे जरूरी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध है। सरकारी व प्राइवेट अस्पताल मिलकर डेंगू के मुकाबले के लिए लगातार मुस्तैद है। वहीं सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच को लेकर इलाज तक की व्यवस्था पूरी तरह से फ्री है। डेंगू के अस्पतालों में डॉक्टर कर्मचारियों की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। डेंगू से घबराए नहीं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। मच्छरदानी लगाकर सोना सबसे हितकर है। उन्होंने कहा कि घर के आसपास जलभराव न होने दें, फंगिंग व एलिवर छिड़ाव के अभियान को तेजी से लाने के निर्देश भी दें। बता दें कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इस दौरान सभी अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।